महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019 के बाद शिवसेना ने बीजेपी से अलग होकर कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिला लिया। कांग्रेस और एनसीपी के बदौलत उद्धव ठाकरे सीएम बन गए। शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी की महा अघाड़ी गठबंधन की सरकार चल रही है। शिवसेना कांग्रेस के साथ सत्ता का भोग तो कर रही है, लेकिन इसके लिए उसे अपनी विचारधारा की कुर्बानी देनी पड़ी। कांग्रेस के साथ सरकार बनाने के बाद हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना बैकफुट पर दिख रही है। बीजेपी भी घूम घूम कर जनता को बताने की कोशिश कर रही है कि ये शिवसेना बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना से अलग है। कुर्सी के लिए इसने कांग्रेस से हाथ मिला लिया। उधर राज ठाकरे भी भगवा झंडा थाम कर शिवसेना के वोट बैंक में सेंध लगाने मैदान में उतर गए हैं। अब शिवसेना को लगने लगा है कि उसका वोट बैंक खिसकने लगा, तो एक बार फिर अब शिवसेना ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाने का संकेत दिया है। शिवसेना सुप्रीमो और सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि भविष्य में भाजपा के साथ गठबंधन की संभावनाएं बन सकती है। एक इंटरव्यू में उद्धव ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हम भविष्य में बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। ठाकरे ने कहा कि अगर उन्होंने अपना वादा निभाया होता और मुझसे झूठ नहीं बोला होता तो मैं कभी मुख्यमंत्री नहीं बनता। मैंने उससे ज्यादा कभी नहीं मांगा जो चुनाव के पूर्व दोनों दलों के बीच तय हुआ था। बहरहाल उद्धव ठाकरे के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। उद्धव ठाकरे के बयान से साफ लग रहा है कि शिवसेना बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के लिए बेकरार है और मौका मिला तो शिवसेना पलटी मारकर बीजेपी के साथ फिर से गठबंधन कर सकती है, क्योंकि पिछले कुछ समय से शिवसेना के रुख में बदलाव देखा जा रहा है। CAA पर भी शिवसेना अब मोदी सरकार के समर्थन में है, जबकि पहले शिवसेना कांग्रेस की भाषा बोल रही थी। कुछ दिन पहले ही उद्धव ठाकरे ने पूर्व CM देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी की तारीफ की थी। ऐसे में इस बात की उम्मीद बढ़ गई है कि आने वाले दिनों में शिवसेना एक बार फिर से बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।